हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? लेकिन यदि आपने इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है तो जाकर वन शॉट देखें, ताकि आपको जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, या इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं जैसे कि आयनेशन एनर्जी का या एटॉमिक रेडियस का, तो उसके बारे में भी डिटेल में पता चल सके कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, ठीक है बेटा? साथ ही साथ आप माइंड मैप भी जरूर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम इस चैप्टर को कम से कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अमंग द फॉलोइंग हेलोजन, हमारे पास कुछ हेलोजन दिए हैं। हेलोजन क्या होते हैं? जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें क्या बोलते हैं? हेलोजन कहते हैं, ठीक है बेटा? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी है उसके ऑर्डर में बताइए कि क्या करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है बेटा? हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो चलिए, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के लिए बताना है। तो क्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अब हमें पता है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है। यदि साइज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। जेड इफेक्टिव कम होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम इजिली अट्रैक्ट कर पाएगा कौन? न्यूक्लियस। यदि कम इजिली अट्रैक्ट कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए इस तरीके से, लेकिन यहां पर क्लोरीन की ज्यादा होती है। किससे? फ्लोरीन से। देन उससे कम होती है ब्रोमीन की, देन उससे कम होती है आयोडीन की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं ऐड करने के लिए, किसके अंदर? फ्लोरीन के अंदर और क्लोरीन के अंदर, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करके एफ माइनस यहां पर बनेगा, सी एल माइनस इधर बनेगा, लेकिन एफ के अंदर कौन इलेक्ट्रोपी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? पांच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां पर 3p में पांच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब तुम ही सोचो कि 2p के अंदर हमें एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करना है ऑलरेडी इतने से स्पेस में, क्योंकि 2 n की वैल्यू 2 वाला जो ऑर्बिटल होगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू n की वैल्यू 3 वाला, यानी 2p जो है छोटा होगा 3p से। तो जो छोटे से ऑर्बिटल के अंदर ऑलरेडी पांच पांच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यदि हम एक और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करें तो क्या होगा? आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो ऑलरेडी प्रेजेंट पांच इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को इजिली ऐड नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी। किसके? क्लोरीन के कंपैरिजन में। लेकिन क्लोरीन के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है, 3p ऑर्बिटल जो बड़ा होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड करा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा सी, यानी क्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की, फिर घटती जाएगी ब्रोमीन की आएगी, फिर आयोडीन की आएगी। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, क्या बन रहा है? ऑक्साइड बन रहा है। ऑक्साइड क्या होते हैं? ओ टू माइनस को ऑक्साइड हम कहते हैं, क्लियर? फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के एटम से बन रहा है। पहला जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। नेगेटिव साइन जब भी आता है, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव समथिंग वैल्यू लिखिए, इसका मतलब यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी कैसा प्रोसेस है ये? एक एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज, ठीक है? लेकिन दूसरी जगह क्या है, जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तुमने ऑक्सीजन के अंदर, ओ माइनस बना। अब इस ओ माइनस के अंदर आप एक एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज जो है वो रिपेल करेगा आने वाले इलेक्ट्रॉन को, तो ओ माइनस जो है इजिली नहीं बनेगा, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। किसके अंदर? ओ माइनस के अंदर। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कैसी रिएक्शन हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या हो गई? एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। चलिए आगे क्या कहता है, दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू माइनस इन गैस फेज इन अनफेवरेबल इवन थ्रू एन टू माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियोन। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के बावजूद, यानी ओ टू माइनस के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, नियोन के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी जो
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूसरे वाली पॉजिटिव है एज कंपेयर टू पहले वाली के। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? नहीं। दूसरा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जर साइज ऑफ आयन, ऐसा भी नहीं है, इस कारण से नहीं हो रहा है। लेकिन तीसरा कारण क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेट्स द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यानी जो ये रिपल्शन है किसका? इन दोनों का, यानी ओ माइनस का और आने वाले इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है उसके कारण जो है ये ओवरकम कर जा रहा है कि जो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियोन के जैसा होने पर आएगी उसे भी ओवरकम कर जाएगा, यानी उस स्टेबिलिटी का भी इसके लिए अभी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस वजह से हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ताकि हम इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर सके। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर सी होगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। यानी क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन फ्लोरीन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यानी कम लेस नेगेटिव होगी। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फ्लोरीन की है वो लेस नेगेटिव है क्लोरीन से। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे किसके अंदर? फ्लोरीन के अंदर। कहाँ ऐड करोगे? स्मॉलर एन इज इक्वल टू टू क्वांटम नंबर, यानी 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वहां पर क्या होगा? रिपल्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। किसके अंदर? 2p5 के अंदर। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इसके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड नहीं कर सकते। लेकिन क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन को जो है हम लार्जर एन इज इक्वल टू 3 में, यानी 3p5 के अंदर ऐड कर रहे हैं। क्यों? 3p5 जो है वो बड़े साइज का है, तो इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली आसानी से ऐड हो सकता है। ऐड इसलिए हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन से, यानी इसकी मोर नेगेटिव होगी और इसकी लेस नेगेटिव। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसकी लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, ये इसका रीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेयर एज ऑक्सीजन हैज नेगेटिव। यानी नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एन माइनस बनाने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है? पॉजिटिव है। जबकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ओ माइनस बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इसकी नेगेटिव है। ये क्वेश्चन ये मैं बता रहा है, पर ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी ऑक्सीजन से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है? कम है, जब आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से निकालने में होती है, यानी नाइट्रोजन से एन पॉजिटिव बनाना डिफिकल्ट है लेकिन ऑक्सीजन से वो पॉजिटिव बनाना इजी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3, तो क्या है? हाफ फिल्ड है। अब हाफ फिल्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या बना रहे हो तुम? 1s2, 2s2, 2p4 बना रहे हो। इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हाफ फिल्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। यदि इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो डेल्टा EHG यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन दूसरे वाले में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तब भी यही बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 1s2, 2s2, 2p3, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है क्योंकि ये क्या है? हाफ फिल्ड है। क्या है? हाफ फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहा हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की जो है ज्यादा हो जाएगी। किससे? ऑक्सीजन से, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा इससे, और इससे निकालना आसान है क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल नहीं है। क्लियर है बेटा? इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन की नेगेटिव पॉजिटिव होती है, ऑक्सीजन की नेगेटिव होती है, लेकिन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, या आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अमंग एल्कली मेटल्स के अंदर आप बताओ कि कौन सा एलिमेंट होगा जिसके पास सबसे कम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और क्यों होगी। तो एल्कली मेटल्स क्या होती हैं? ग्रुप वन के मेटल्स होते हैं। इसके ग्रुप वन के मेटल्स होते हैं, क्या आता है उसके अंदर? हेलेना की रब से फ्रेंडशिप या फरियाद। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो है बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी? फ्रेंशियम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? फ्रेंशियम की। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो फ्रेंशियम हैज लार्जेस्ट साइज, देयरफॉर इट इज लेस्ट या लीस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव, यानी फ्रेंशियम जो है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एसर्शन रीजन का। क्या कहता है एसर्शन में? कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जो कम लेस नेगेटिव हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है? घट जाती है, यानी टॉप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेस नेगेटिव का मतलब घट जाना, ठीक है। रीजन क्या है? साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी साइज बड़ा हो जाएगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा उस पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस से। यदि दूर हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इजिली एड नहीं होगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम नेगेटिव हो जाती है ऊपर से नीचे जाने पर। तो यहां पर एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है अच्छे से करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है किसको? एसर्शन को। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमने जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर जो है हमने अच्छे से क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहें।